क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, यह बात बिल्कुल सत्य है एकदम। गांव के लोग आज भी इस बात पर विश्वास करते हैं और मानते हैं कि हम जो पृथ्वी है, हमारी धरती, वह शेषनाग के फन पर टंगी हुई है। पृथ्वी, गांव के लोग मानते हैं कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर टंगी हुई, उनका मानना भी वाजिब है गांव के लोगों के हिसाब से। देखो भैया, क्यों कि गांव के लोग धरती को यानी पृथ्वी को धरती माता कहते हैं, पूजा करते हैं धरती की, और सूर्य को सूर्य देवता कहते हैं। इसलिए गांव वालों का मानना उनसे, देखो साइंस कुछ भी कहे, भूगोल भूगोल कुछ भी कहे, भूविज्ञान कुछ भी कहे कि पृथ्वी हमारे सौर मंडल में है और सूर्य का अपना एक स्वतंत्र अवस्था में लटकी हुई है और सूर्य का अपना एक चक्कर लगा रही है, लेकिन गांव के लोग का मानना है, उनके दिमाग से कोई नहीं निकाल सकता है। ठीक, लोग अभी मानना है गांव में कि धरती यानी पृथ्वी शेषनाग के फन पर टंगी हुई है, शेषनाग के फन पर रखी हुई है पृथ्वी। और कुछ लोग ये तो यहाँ तक, कुछ लोग का ये भी कहना है कि जो पृथ्वी है वो गौ माता की जो है कि सिंह पर रखी हुई है, गौ माता के सिंह पर टिकी हुई। कुछ लोग का ये भी गाँव वालों का मानना है, क्योंकि वो मानते हैं, या रूढ़िवादिता कह लीजिए, या उनका अटूट विश्वास कह लीजिए, या उनकी जननी समझ लीजिए, उनकी जो है कि पृथ्वी से ही वो सब उगाते हैं, पृथ्वी का सीना चीर करके ही। चलिए खैर छोड़ो, वो पृथ्वी को पृथ्वी माता और सूर्य को सूर्य भगवान मानते हैं। चलिए हम बात करते हैं तो अब सौर, उपसौर और अपसौर की बात कर रहे थे, और उपसौर और अपसौर की, उपसौर और अपसौर क्या होता है? तो जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है भैया, उपसौर, उपसौर की बात करें हम तो उप, देखो नाम से ही उप मीन्स होता है छोटा, उप माने छोटा, यानी छोटा या समीप, नजदीक, उप माने छोटा या फिर समीप कह लीजिए नजदीक। तो पृथ्वी की दो प्रकार की स्थितियां होती हैं, पृथ्वी की जब सूर्य की जो है कि दीर्घ वृत्ताकार में सूर्य की पृथ्वी परिक्रमा करती है, एक दीर्घ वृत्ताकार में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही होती है, यानी कहने का मतलब कि जो एक वर्ष में जो 365 दिन में उस समय में दोस्तों जो पृथ्वी का एक चक्कर सूर्य लगाती है उसी दौरान, इसी दौरान, और पृथ्वी साथ में परिक्रमण भी करती है, अपना सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ परिक्रमण यानी दैनिक गति भी करती है। इस विशेष बात को ध्यान रखना, अभी बात करेंगे पहले उपसौर और अपसौर की बात। तो पृथ्वी की अपनी दीर्घ वृत्ताकार गति के समय एक उपसौर और अपसौर की कंडीशन में आती है, स्थिति में आती है। तो उपसौर का अर्थ होता है समीप यानी छोटा, कहने का मतलब नजदीक, यानी कहने का मतलब वह कौन सा दिन होता है, ऐसा कौन सा दिन होता है पृथ्वी के दीर्घ वृत्ताकार परिक्रमण के दौरान कि परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गतियों के दौरान कि पृथ्वी सूर्य के समीप यानी कि सबसे नजदीक पहुंच जाती है, सूर्य के सबसे नजदीक। तो वह दिन होता, वह तारीख होती है 3 जनवरी। 3 जनवरी को क्या लिखना भैया? 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक पहुंच जाती है, परिक्रमण करते करते, परिक्रमण करते करते एक दिन ऐसा होता है 3 जनवरी जब सूर्य के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाती है पृथ्वी। नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, करना, उसे उपसौर कहते हैं, उसे उपसौर कहते हैं। उसके बाद आते हैं हम अपसौर पर, अपसौर की बात करते हैं। तो अपसौर, अप माने ऊपर, अप ऊपर ज्यादा आगे, जैसा आपने अप डाउन पढ़ा है, अप डाउन याद रखना, ट्रिक है याद करने के लिए आपके लिए, अप डाउन, अप माने ऊपर यानी कि ज्यादा, आपको मतलब ज्यादा यानी अधिक, अधिक या फिर कह लीजिए ऊपर, अधिक या फिर ऊपर कह लीजिए। तो पृथ्वी सबसे अधिक दूरी पर सूर्य से किस दिन जाती है, वह भी एक तिथि होती है, वह तिथि होती है याद रखना 4 जुलाई। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर चली जाती है। अब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक और है, ये तो इनके नामों से हो गया, अप माने अधिक, तो मतलब बड़ी वाली डेट याद कर लीजिएगा 4 जुलाई, और कम का मतलब यानी नदी का मतलब याद कर लीजिएगा 3 जनवरी, 3 जनवरी और 4 जुलाई की डेट याद कर लीजिएगा, आसान है। और उसके बाद एक चीज और याद करने के लिए एक ट्रिक बड़ी आसान है, उपसौर और अपसौर की, अप अधिक याद करने की एक ट्रिक और है, उपसौर यानी कि जब नजदीक होगी, जब नजदीक होगी कहने का मतलब 3 जनवरी, जब 3 जनवरी होगी यानी कि जब ठंडी होगी, जब ठंडी होगी तो सूर्य उल्टा कर सकते हैं मौसम के हिसाब से, मौसम के हिसाब से भैया याद रखना इसको, कि यानी कि जब नजदीक आएगी पृथ्वी, नजदीक होगी उसके सूर्य के समीप होगी तब ठंडी का महीना होगा, उल्टा होना चाहिए गर्मी। आप सोचें
होना चाहिए गर्मी की, सूर्य के नजदीक जब पृथ्वी आवे तो गर्मी ज्यादा होनी चाहिए, सूर्य का ताप कम पड़ना चाहिए, लेकिन उसी का उल्टा से क्या करना कि अब सौर उपसौर में जो है कि पृथ्वी नजदीक रहती है, यानी कि सूर्य के नदी, और इस दिन जब उपसर्ग की कंडीशन होती है तब यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की सबसे निकटतम दूरी होती है, सबसे निकटतम दूरी होती है, और यह दूरी होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर की, 14.70 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की 3 जनवरी को। और उसी तरह जो 4 जुलाई को होती है अपसौर, अब 4 जुलाई को गर्मी अधिक होती है, 4 जुलाई को गर्मी अधिक होती है तो सूर्य दूर चला जाता है, उल्टा कांसेप्ट याद करेगा, तब सूर्य दूर चला जाता है, तो 4 जुलाई का कांसेप्ट यह है कि 4 जुलाई के दिन पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है, गर्मी अधिक होती है, उल्टा होता है, याद रखना ठंडी और गर्मी का। उसके बाद जब इस 4 जुलाई को दूर जाती है तब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है 15.20 करोड़ किलोमीटर, 15.20 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच की। यानी कहने का मतलब ये भी पूछा जाता है कि पृथ्वी जब सूर्य के सबसे नजदीक आती है निकटतम दूरी कितनी होती है, तो 14.70 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच की निकटतम दूरी होती है, वहीं पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे अधिकतम दूरी होती है 15.20 करोड़ किलोमीटर। एक बात और ध्यान देना, एक बात कि पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो 2 प्रकार की गतियां करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी बहुत मुख्य बात है, पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो जो दीर्घ वृत्त करती है यानी सूर्य का एक चक्कर लगा करके पृथ्वी आ जाती है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तब इसे पृथ्वी का परिक्रमण काल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, परिक्रमण, पृथ्वी का परिक्रमण काल कहा जाता है, यानी पृथ्वी परिक्रमा कर रही है किसकी, सूर्य की, और जो यह परिक्रमण काल पृथ्वी का होता है इसके कारण पृथ्वी पर भैया मौसम बदलते हैं, क्या होता है, मौसम बदलते हैं, पृथ्वी पर मौसम बदलने का काम होता है किसके द्वारा, जो सूर्य की परिक्रमा करती है 365 दिन में, यानी कहने का मतलब 1 वर्ष में। उसके बाद पृथ्वी अपनी भी एक गति करती है, इस परिक्रमा के करते करने के साथ साथ पृथ्वी अपनी भी स्वयं की एक गति करती है, वो जो स्वयं की पृथ्वी की गति होती है इसे दैनिक गति कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दैनिक गति कहा जाता है, या फिर इसे परिभ्रमण गति कहा जाता है, पृथ्वी की परिभ्रमण गति कहा जाता है, पृथ्वी की परिभ्रमण गति या दैनिक गति जो पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक चक्कर लगाती है, पूरा करती है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, पृथ्वी पर दिन और रात और पृथ्वी पर मौसम बदलना पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, पृथ्वी पर दिन रात होना पृथ्वी पर दैनिक गति या परिभ्रमण गति।